फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त दानिश आजम। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अशोका के बारे में। दोस्तों, इससे पहले का जो वीडियो है, जो 6 वीडियो मैंने बनाए हैं, उस वीडियो में जाकर के आप पूरे वीडियो को जब कर्म में बिल्कुल सीरीज में आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी बातें समझ में आएंगी। दोस्तों, आज से पहले कल के वीडियो में मैंने आपको हरियंग डायनेस्टी, इसी तरह से शिशुनाग डायनेस्टी, इसी तरह से नंद डायनेस्टी, इन तमाम डायनेस्टी के बारे में पढ़ाया था। और मैंने मौर्यन एम्पायर को थोड़ा सा शुरू किया था, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, इसी तरह से कौटिल्य और इसी तरह से बिंदुसार के बारे में बात की थी। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्यन एम्पायर की स्थापना की थी, और मौर्यन एम्पायर की स्थापना करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनका बेटा जो है बिंदुसार आता है, और फिर बिंदुसार का बेटा जो है वो है अशोका। तो आज के इस पूरे वीडियो में हम अशोका से रिलेटेड बात करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं, देखते हैं कि अशोका का ज़माना कब से कब है। अशोका 273 से लेकर के 232 BCE के बीच में अशोका ने हिंदुस्तान में अशोका ने हुकूमत की है। अब उसके बाद चलते हैं। दोस्तों, अशोका के बारे में बहुत मशहूर है कि अशोका ने अपने 99 भाइयों को मारा है। तो सवाल ये आता है कि कौन सी किताब में, कौन से ग्रंथ में ये बातें लिखी हुई हैं कि अशोका ने अपने 99 भाइयों को मारा है। तो यहाँ पर मैंने 2 किताब का जिक्र किया है, एक है दीपवंश और दूसरा है महावंश। दीपवंश और महावंश, इन दोनों किताबों में ये मेंशन किया गया है कि अशोका ने गद्दी पाने के लिए अपने 99 भाइयों को मारा है, और एक भाई जिसका नाम है वित अशोका, या फिर उसको तिस्सा के नाम से जानते हैं, सिर्फ एक भाई वित अशोका और तिस्सा को अशोका ने छोड़ा था, और बाकी तमाम 99 भाइयों को मारा था। और कहते हैं कि अगम कुआं पटना में एक बहुत बड़ा कुआं है, जहां पर मार करके वहीं पर दफना दिया था, वहीं पर डाल दिया था। आज भी उसको सरकार ने घेर करके रखा है, आप जा करके देख सकते हैं और मजीद इन्फॉर्मेशन इसके बारे में ले सकते हैं। उसके बाद देखिए, अशोका का नाम आए और कलिंग वार का जिक्र ना हो तो ये समझ में नहीं आता है, क्योंकि अशोका और कलिंग वार दोनों बिल्कुल चोली दामन का साथ है। तो चलते हैं, देखते हैं कि कलिंग वार कब लड़ी गई। तो कलिंग वार जो लड़ी गई है दोस्तों, ये 260 BCE में लड़ी गई है, और ये जो कलिंग है, आज का जो मॉडर्न जो उड़ीसा है, उड़ीसा ही में एक जगह है जिसका नाम है कलिंग, आप कह सकते हैं कि उड़ीसा में वो जगह है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों, सवाल ये पूछा जा सकता है कि कलिंग का जो वार है, कलिंग की जो जंग हुई थी, उसका जिक्र कहाँ आया है। तो अशोका ने बहुत सारे एडिक्ट बनवाए थे, जिसको अशोका ने दूर दराज की जगहों पर, देश के हर हर जगहों पर, जहाँ जिस एडिक्ट को उसने गढ़वाया था, उस एडिक्ट में 13वें नाम का जो एडिक्ट है, 13वें नंबर का जो एडिक्ट है, जिसका नाम है मेजर एडिक्ट 13th, इस एडिक्ट में अशोका ने मेंशन करवाया है कलिंग वार के बारे में, और जहां पर डेट भी लिखा हुआ है कि 260 BCE। तो आप कह सकते हैं कि कलिंग वार जो लड़ी गई थी, उसका कहां से इसका जिक्र मिलता है, कहां इसको मेंशन किया गया है। तो दोस्तों, इसका जवाब है कि मेजर एडिक्ट 13th में इसका जिक्र किया गया है। उसके बाद हम चलते हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि कलिंग वार के बाद जो है अशोका ने धर्म परिवर्तन कर लिया था। तो सवाल पूछा जा सकता है कि वो कौन सा बुद्धिस्ट मॉन्क है, जिस बुद्धिस्ट के मॉन्क के हाथों पर अशोका ने जो है धर्म परिवर्तन किया था, और हिंदू धर्म को छोड़ करके उसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो वो जो बुद्धिस्ट मॉन्क है दोस्तों, उनका नाम है उपगुप्त, और उपगुप्त के हाथों पर बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद अशोका का जो नाम जो पड़ा था, वो अशोका का नाम धम्म अशोका पड़ा था। उसके बाद अशोका के बहुत सारे नाम है दोस्तों, यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखे हैं, उन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको बताता चलूं कि उपागुप्त के हाथ पर बौद्ध धर्म को अपनाने के बाद धम्म अशोका की उपाधि अशोका को दी गई थी। उसके बाद हम चलते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैंने एक भबरू इंस्क्रिप्शन, अशोका ने बहुत सारे इंस्क्रिप्शन, बहुत सारे शिलालेख छोड़े हैं हमारे लिए, जिसको पढ़ने के बाद उसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, उसके बारे में और उसकी नीतियों के बारे में हमें खूब खूब पता चलता है। तो भबरू इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि अशोका ने, अशोका जो है वो पूरे मगध एम्पायर का जो बादशाह है, मगध एम्पायर का जो राजा है, मगध एम्पायर का जो एम्परर है, उसके बारे में कहीं पर लिखा हुआ है। तो भबरू इंस्क्रिप्शन में आपसे पूछा जा सकता है कि वो कौन सा इंस्क्रिप्शन है, जिस इंस्क्रिप्शन में ये मेंशन किया गया है कि अशोका जो है वो पूरे मगध एम्पायर का वो एम्परर है। तो जवाब आपका होगा दोस्तों कि वो भबरू इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि अशोका वाज एम्परर ऑफ मगध एम्पायर। उसके बाद हम चलते हैं बृहद्रथ। बृहद्रथ ही एक ऐसा नाम है जिसको आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। सवाल पूछा जा सकता है कि चूंकि हम लोग ये मौर्यन एम्पायर के बारे में पढ़ रहे हैं, अशोका मौर्यन एम्पायर ही का एक राजा है, एक कड़ी है, तो मौर्यन एम्पायर का सबसे जो लास्ट राजा है, सबसे जो लास्ट रूलर है, उस रूलर का नाम बृहद्रथ
मौर्य है। आप जानते हैं कि मौर्य एम्पायर के पतन के बाद जो है समझिए कि मगध एम्पायर बिल्कुल खत्म हो जाता है। उसके बाद बहुत छोटे छोटे किंगडम उसके बाद उभरते हैं, लेकिन कुछ ऐसा नाम वो नहीं कमा पाते हैं जिस तरह का नाम जो है मौर्य एम्पायर ने। यहाँ पर याद रखना है NBPW पीरियड, यानी जो मौर्य एम्पायर है वो उसका पीरियड जो है NBPW पीरियड के साथ मेल खाता है। NBPW का जो फुल फॉर्म है दोस्तों, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, मतलब कि ये कुछ इस तरह के बर्तन पाए गए हैं जो कि काले रंग के हैं और बिल्कुल जो कि चमकदार हैं, और जो नॉर्थ इंडिया ही में पाए गए हैं, साउथ इंडिया में ये नहीं पाए गए हैं। तो जिस जमाने के ये बर्तन पाए गए हैं बिल्कुल चमकीले, जमीन के अंदर से आर्कियोलॉजिकल साइट से ये मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को, तो उसी जमाने का मौर्यन पीरियड है। उसके बाद हम चलते हैं दोस्तों आगे की तरफ। अशोका के बारे में आता है कि अशोका ने बहुत सारे स्तूपास बनाए हैं, तो तकरीबन 84,000 स्तूपास पूरे हिंदुस्तान में अशोका ने बनवाए थे, और अपने धर्म को जो उसने परिवर्तन किया था, धर्म को जो अपनाया था बौद्ध धर्म, उसको फैलाने के लिए उसने बहुत सारे काम किए हैं। उसने धर्म महामत के नाम से बाजबता कुछ लोगों को अपॉइंट किया था जिनका काम ही यही था कि जो अशोका के जो एडिक्ट रॉक एडिक्ट जो थे, उस एडिक्ट में जो कुछ अशोका जी का जो मैसेज होता था उस मैसेज को दूसरों को समझाने के लिए, दूसरों को बताने के लिए धर्म महामत को उसने अपॉइंट किया था। उनका काम था कि जो कोई भी उधर से गुजरते थे अशोका के एडिक्ट के पास से, तो अशोका के एडिक्ट को जो कि आरामी जबान में, इसी तरह से ग्रीक जबान में और इसी तरह से ब्राह्मी लिपि में उसको लिखा गया था, उसको पढ़ करके वो लोगों को सुनाते थे। तो अशोका ने धर्म से रिलेटेड बहुत सारे काम किए हैं। उसके बाद चलते हैं दोस्तों यहाँ थर्ड काउंसिल 250। आपको मैंने बताया था दोस्तों कि बौद्ध धर्म में जो है चार काउंसिलें हुई हैं, उसमें से जो तीसरा जो काउंसिल है उस तीसरे काउंसिल को अशोका ने करवाया था। और इससे पहले का जो वीडियो है उस वीडियो में आप जाकर के देखें, वहां पर बहुत ही विस्तार के साथ मैंने तीसरी बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में, चौथी बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में, पहले बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में और दूसरे बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में, और साथ साथ जैन में दो काउंसिल हुई है, पहली जैन काउंसिल और दूसरी काउंसिल, वो मैंने इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बता दिया। मैं यहां पर चूंकि बहुत सारे और फैक्ट है मैं उनको बताता चलूं, जब मैंने एक वीडियो बनाया ही है दोस्तों तो जाकर के उन वीडियोस को आप जाकर के देख सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं दोस्तों कि अशोका को बहुत सारे टाइटल मिले थे। एक टाइटल था देवनामपिया, स्टेट टाइटल था, पूरे स्टेट में जो एक टाइटल जो दिया गया था अशोका को वो देवामपिया का स्टेट टाइटल दिया गया था। उसी के बाद जो है ऑफिशियल नेम जो था अशोका का वो प्रियदर्शी था। आपसे पूछा जा सकता है कि ऑफिशियल नाम जो है अशोका का क्या था, कुछ ऑप्शन दिए जा सकते हैं, तो आपका जवाब होगा कि ऑफिशियल नाम जो था अशोका का वो प्रियदर्शी था, और स्टेट टाइटल जो था वो था देवामप्रिया। उसके बाद हम चलते हैं दोस्तों अशोका का एक नाम और है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन में, जूनागढ़ का जो शिलालेख मिला है उस इंस्क्रिप्शन में अशोका का को जो है अशोका मौर्य का के नाम से वहां पर मेंशन किया गया। तो पूछा जा सकता है कि अशोका मौर्य के नाम से अशोका को कौन से इंस्क्रिप्शन में जो है उसको मेंशन किया गया है, तो जवाब होगा दोस्तों कि जूनागढ़ जो कि गुजरात में है, गुजरात के जूनागढ़ में जो एक इंस्क्रिप्शन पाया गया है उस इंस्क्रिप्शन में अशोका मौर्य के नाम से अशोका को मेंशन किया गया है। उसके बाद चलते हैं दोस्तों पुराण में अशोका को अशोका वर्धन के नाम से वहां पर मेंशन किया गया है, अशोका वर्धन के नाम से मेंशन किया गया है। और आखिर में एक फैक्ट मैंने लिखा है संघमित्रा अशोका की बेटी थी, जिनको अशोका ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। और दोस्तों अगर आप पटना में रहते हैं और कभी आप बेंगलोर गए हों तो आपको याद होगा कि जिस ट्रेन से आप गए थे वो ट्रेन का नाम भी संघमित्रा एक्सप्रेस है, जो कि पाटलिपुत्रा से लेकर के वो बेंगलोर तक चलती है। चूंकि साउथ इंडिया से जो श्रीलंका करीब है, इसी वजह से साउथ इंडिया की तरफ जाने वाली ट्रेन को सरकार ने संघमित्रा के नाम से जोड़ा है, ताकि वो पूरा वाकया, पूरा सीन, पूरा इवेंट्स हमारे जहन में याद रहे। दोस्तों आप बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आप मुझे अपने अच्छे सुझाव देते रहिए और कमेंट बॉक्स में बताइए, और मेरे इस वीडियो को शेयर करें, और हो सके तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल का मैं यहाँ पर नाम लिख दे रहा हूँ, दानिश लेट्स लर्न। आप जहाँ पर वीडियो देख रहे हैं वहाँ पर भी मेरे चैनल का नाम लिखा हुआ, आप जाकर के सब्सक्राइब करें और खुद भी देखें और दूसरों को भी दिखाएं। दोस्तों अपडेट मैं करता रहता हूँ, रोज का जो क्लास चल रहा है आप उसको जब देखेंगे तो फिर मजा आएगा, तमाम बातें समझ में आएंगी। यहाँ वहाँ से कुछ फैक्ट देखने से कुछ भी फायदा नहीं होने वाला। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।